दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं CST। वैसे तो हम CST कई बार आ चुके हैं, मगर आज मौसम ठीक था तो सोचा ब्लॉग शूट कर लें। ऐसे तो लोग इसे CST के नाम से जानते हैं, लेकिन दोस्तों इसका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। आप पीछे देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। तो इस रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन जो है 1878 में स्टार्ट हुआ था, और हम बता दें कि जो आर्किटेक्चर इंजीनियर था वो एक विदेशी था। मुंबई का सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल है, और बॉलीवुड मूवीज में इसका सीन कई बार देखे होंगे, हमेशा देखते होंगे। मुंबई का स्टार्ट जो होता है इसी स्टेशन से दिखाया जाता है। दोस्तों, इसमें छोटी छोटी लाइटें लगाई गई हैं, जो कि शाम के समय इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है, बहुत ही सुंदर लगता है शाम के समय। हो सकता है हम आपको शाम का सीन यहाँ का दिखाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मुंबई में CST के अलावा और भी चीज़ें हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम चलने वाले हैं आज़ाद मैदान दिखाएंगे, उसके बाद मरीन लाइन की तरफ जाएंगे। तो आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें दिखाएंगे और सब कुछ अच्छे से बताएंगे। आज़ाद मैदान में आप देख सकते हैं, ये है पूरा आज़ाद मैदान का फील्ड, बहुत बड़ा है। ये भी अभी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा मैदान छोटा कर दिया गया है। उधर गवर्नमेंट ने मेट्रो का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये बॉम्बे जिम खाना क्लब है, यहाँ पर भी मैचेस खेले जाते हैं, यहाँ MCA लेवल के मैचेस होते हैं। और इस ग्राउंड में दोस्तों, आज़ाद मैदान ग्राउंड में बहुत सारे क्रिकेट पिचेस बनाए गए हैं, जहाँ पर लड़के प्रैक्टिस करने आते हैं, मैच भी खेलने आते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट अकेडमीज भी हैं। दोस्तों, अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पर क्रिकेट स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रास हो जाते हैं, तो अभी इनकी कटाई छटाई चल रही है, विकेट विकेट सही बनाया जा रहा है। तो जैसे ही ये सारे काम कम्प्लीट होते हैं, तो यहाँ से फिर से यहाँ पर क्रिकेट खेलना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रैक्टिस भी होगी, फिर मैचेस भी खेले जाएंगे। तो ये है पूरा अपना आज़ाद मैदान, आप देख सकते हैं। उधर दोस्तों मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं। वो दोस्तों, इसके बाद हम चलने वाले हैं मरीन ड्राइव, वहां से आपको दोस्तों समुद्र दिखाएंगे। और लाइन आप देख सकते हैं, ये मरीन लाइन, यहाँ पर दोस्तों साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और दोस्तों, यहाँ यदि आप आएँ घूमने, तो आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। यदि आप मास्क नहीं पहने रहेंगे, तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, वैसे फ़ाइन 200 फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो वैसे अगर आप मास्क लगाए रहेंगे तो ज़्यादा ठीक है, आप स्वस्थ भी रहेंगे और फाइन से भी बचेंगे। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप मुंबई में किसी भी कोने में रहते हो, तो आप यहाँ मरीन लाइन कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आप वेस्टर्न लाइन में रहते हो, तो जैसे वसई विरार साइड, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे सुविधाजनक साधन लोकल ट्रेन रहेगा। तो आप अपने नज़दीकी स्टेशन पर जाइए, वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़िए और सीधे चर्च गेट आ जाइए। दोस्तों, चर्च गेट से ये मरीन लाइन लगभग 200 मीटर दूर है, तो आप पैदल भी यहाँ पर आ सकते हैं और घूम सकते हैं। और यदि आप दोस्तों सेंट्रल लाइन में रहते हो, तो वही चीज़ है, आप जाइए अपने लोकल स्टेशन, जहाँ पर भी आप जिस एरिया में रहते होंगे, तो वहाँ से लोकल स्टेशन पे जाइए और ट्रेन पकड़िए, सीधे आ जाइए CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो वहाँ से भी आप, वहाँ से 400-500 मीटर दूरी पे है मरीन लाइन, तो आप पैदल या फिर आप टैक्सी करके आ सकते हैं। तो यही है कुछ बेहतरीन नज़ारे। दोस्तों, आप सोचते होंगे ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ किनारे क्यों लगाए गए हैं, तो हम दोस्तों आपको बता दें कि जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, तो जो समुद्र का लहर होता है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल होता है, और जब उनकी लहरें सीधे इस बाउंड्री वाल से टकराएंगी, तो दोस्तों बाउंड्री वाल टूट सकती है। इसलिए ये बड़े बड़े पत्थर बना के यहाँ पर पूरा किनारे किनारे रख दिया जाता है। अब बहुत से जितने भी समुद्र के किनारे घूमने जाएंगे, तो ऐसे इसी प्रकार के आपको पत्थर को देखने को मिलेगा। दोस्तों,
अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो यार दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तो बाय।